दोस्तों, सम्राट अशोक के बाद ही दक्षिण पश्चिम भारत में एक शासक सातवाहन का उदय होता है। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था, जिसने अपने नाम का सिक्का भी चलाया था, जिसको आप लोग भी देख सकते हैं, जिस मुद्रा पर सम्यक संस्कृति का प्रचलित चैत्य बना हुआ है, जिस पर पाली भाषा में रिंजे गोतमी पुतस श्री सात कनिष लिखा हुआ है। वैसे तो आज भ्रमिक लोग सातवाहन को भी अपने भ्रमिक समुदाय का अनुयायी बताने से नहीं चुकते हैं, लेकिन प्रमाण ठीक उल्टा मिलता है। आज देश के दक्षिणी क्षेत्रों में बने अजंता एलोरा जैसे अनेक स्थानों को देख सकते हैं, जिनमें सम्यक संस्कृति की अति विशिष्ट ज्ञान शैली को दर्शाया गया है। इस निर्माण का सारा श्रेय सातवाहनों को ही जाता है। सम्राट अशोक के जैसे सातवाहन के संस्थापक ने भी अपना नाम धम्म लिपि और पाली भाषा में शिलाओं पर लिख दिया था, ताकि आगे मेरे नाम और मेरे काम पर किसी को कोई गलत फहमी ना हो। पाली भाषा में वह नाम राया सिमुक सातवाहनों श्रीमतो लिखा हुआ है, जिसको आप लोग चित्र में देख सकते हैं। दूसरी बात, सातवाहन के समय सभी जानकारी को धम्म लिपि और शिलाओं पर लिपिबद्ध किया गया था, यानी इनको भी भ्रमिकों के जैसा कागज का फूल नहीं मिल पाया था। वैसे तो सातवाहन साम्राज्य सम्यक संस्कृति का बहुत ही बड़ा पोषक शासन था। अपने राज क्षेत्र के अंदर धम्म लिपि में लिखे हुए बहुत से अभिलेख के साथ चैत्य मठ बुद्ध विहार का निर्माण किया था। सातवाहन वंश का उसी धम्म लिपि से लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जो महाराष्ट्र के नाड़े घाट से मिला है। उस अभिलेख पर धम्म लिपि में कसन वासुदेवा लिखा हुआ है। अब इस नाम को देखकर भ्रमवंशी लेखक कुछ और ही कहानी गढ़ने लगे। दरअसल क्या है कि ये लोग सीधी लकीर में कुछ दूर निशान देखकर रथ के चक्के का अनुमान लगा लेते हैं, तो कभी सिर्फ चक्का मिल जाने पर उस चक्के को किसी द्वापर युग के पात्र का रथ बताने लगते हैं, किसी की मुद्रा पर घोड़ा का निशान देखकर अश्वमेध यज्ञ कराने लगते हैं। अब भला इन भ्रमवंशियों की कथा कहानियों के पात्रों के नाम के जैसा यदि कोई नाम मिल जाए तो भला भ्रमवंशी लेखक चुप कैसे रह सकते हैं। ठीक वैसे ही इस नाम को देखकर भ्रमवंशी लेखक लगे सुरताल मिलाने। लेकिन भ्रमवंशी इतिहासकारों को सुरताल मिलाने से पहले यह तो बताना चाहिए कि यह सातवाहन शासक के अंदर कसन वासुदेवा नाम का पात्र आज से कितने वर्ष पूर्व का है, और वहीं आप लोगों द्वारा स्थापित महाभारत का पात्र द्वापर युग का है। द्वापर युग का समय तो आप लोगों ने ही तय किया है, फिर दोनों पात्रों के बीच में समय का इतना बड़ा फासला क्यों है। चलो माना कि समय की गिनती में आप लोगों से कोई भूल हो गई होगी, लेकिन लगे हाथ यह भी बता दूं कि जब कसन को लिखना या लिखवाना आता था, तभी तो अपना नाम ठाम धाम सहित सारी जानकारी लिखवाया था। अब अगर यह कसन आप लोगों द्वारा प्रचारित महाभारत की कथा वाला पात्र किसन है, तो उसने अपनी बेशकीमती गीता ज्ञान धरोहर को अपने द्वारा लिखित अभिलेख की लिपि में लिपिबद्ध क्यों नहीं करवाया था। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि आज कुछ तथाकथित भ्रमवंशी लेखक अपने स्वार्थ में अंधे होकर भ्रम का जाल बना रहे हैं। कम से कम लिखने से पहले कुछ तो सोचा करो, क्योंकि अब राजपूत और मुगल के दरबार में रहने वाले भ्रम भाटों की अंधेर नगरी चौपट राजा मूर्ख दरबारी अज्ञानी प्रजा वाली जानकारी नहीं है। अब यूरोपियन विद्वानों ने भारतीय सम्यक संस्कृति के साक्ष्यों का बहुत बड़ा भंडार लगा दिया है, और आप लोगों द्वारा भ्रम के ऊपर खड़ी की गई बालों की भीत यानी कि काल्पनिक कहानियों का साम्राज्य अब ढहना शुरू हो गया है, क्योंकि यह भ्रम का जाल मात्र है। सातवाहन साम्राज्य में ही एक शासक हुए थे जिनका नाम गौतमी पुत्र सत्कर्णी था, जिन्होंने अपने नाम को धम्म लिपि द्वारा स्तूप पर लिखा था, जिसको आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे। इस स्तूप पर ऊपर वाली लाइन में श्री सात कनिष लिखा हुआ देखा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज का श्री शब्द आज की संस्कारित भाषा लिपि का है, जबकि इसका सबसे पहले उपयोग सम्यक संस्कृति में मिलता है, जिसको धम्म लिपि और नागरी लिपि में श्री लिखते हुए श्री से संबोधन किया जाता था, जिसको आप लोग सातवाहन से प्राप्त अभिलेख सिक्के व स्तूप पर लिखा हुआ देख सकते हैं। अब अगर बात करें इस श्री के अर्थ की, तो इस श्री का अर्थ सम्मानीय होता था। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति का सम्मान करने के लिए उस व्यक्ति के नाम के आगे श्री का ही उपयोग किया जाता था। तीसरा नाम है पुष्यमित्र सुंग का, जिसका भरहुत की खुदाई से काफी प्रमाण मिला है, जिसमें कोई भी साक्ष्य वैदिक समर्थक होने का नहीं है, फिर भी आज के लोग पुष्यमित्र सुंग को भ्रमिकों का समर्थक बताने पर उतावले रहते हैं। एक बात और, पुष्यमित्र सुंग के द्वारा लिखित या सुंग के कार्यकाल में किसी के द्वारा लिखवाई गई किसी भी वैदिक लिपि में संस्कृत का साक्ष्य नहीं मिला। उल्टे सुंग के नाम का धम्म लिपि में लिखा हुआ एक अभिलेख मिला है, जिसे आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं।
वैसे आज के समय में बहुत से लोग पुष्यमित्र शुंग की राजधानी को साकेत यानी कि अयोध्या में होना बताते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अयोध्या की पहली खुदाई अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में 1862 से 1863 में हुई थी। इसके बाद सर अलोइस फ्यूरर ने 1889 से 91 में खुदाई की, जिसमें बुद्ध विहार के अलावा कुछ नहीं मिला था। दोबारा प्रोफेसर ए के नारायण ने 1969 से 1970 में तीसरी बार खुदाई की, लेकिन फिर भी बुद्ध विहार को छोड़कर कुछ नहीं मिला था। अब चौथी बार न्यायालय के आदेश अनुसार 2003 में फिर से खुदाई होती है, लेकिन पुष्यमित्र शुंग द्वारा निर्मित कोई किला या कोई अन्य प्रमाण आज तक वहां नहीं मिला है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। क्या ख्याल है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें, और जानकारी पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्द मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। थैंक यू।